गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो संडे धमाका टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टडी विद देव की तरफ से उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका जिसका पेपर अच्छा हुआ है उसके अच्छे नंबर आए हैं, टॉप 41 नंबर आए हैं। टॉप कौन रहा है? 41 नंबर टॉप रहा है। कौन रहा है? टॉप 41 नंबर रहा है। उसके बाद में सभी के नंबर लगभग 30 प्लस नंबर रहे हैं सभी के, तो अच्छे नंबर है, लगभग अच्छे नंबर है। अगले टेस्ट में और प्रोग्रेस करना, कम से कम गलती करने की कोशिश किया करो दोस्तों, ताकि स्लिप मिस्टेक बहुत हुई है लोगों से, स्लिप मिस्टेक भी बहुत हुई है। और अगले जो टेस्ट होगा उसके अंतर्गत आपको प्रोसेस 67 कैंडिडेट ने ही पार्टिसिपेट किया था इस टेस्ट में। कितने? 67 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। लाइव तो 110 के समथिंग लाइव आए थे, टेस्ट देने के लिए आए थे, लेकिन 67 का ही अपलोड हो पाया था। किसका? 67 का ही अपलोड हो पाया टेस्ट आंसर की। तो अगले टेस्ट में टेस्ट प्रोसेस का भी ध्यान रखना और स्लिप मिस्टेक जहाँ हुई आपकी उनका ध्यान रखना। तो आज की क्लास में अपन उस पेपर का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आपने कहाँ कहाँ कौन सी गलतियाँ की उस पेपर का अपन सॉल्यूशन करेंगे आज की क्लास में। तो पूरे 50 क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, तो सभी का उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अभी जितने जहाँ आपको स्लिप मिस्टेक हुई वो ध्यान रखना कहाँ आपने स्लिप मिस्टेक की है, तो अगले टेस्ट में वो स्लिप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था इसमें कि टाइलिन का स्त्रावण कहाँ होता है, टाइलिन का स्त्रावण कौन सी ग्लैंड करती है। तो टाइलिन का स्त्रावण, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये लगभग सभी का सही हुआ है। ये क्वेश्चन सभी का सही हुआ है। टाइलिन का स्त्रावण मैंने बताया था आपको लार ग्रंथियाँ करती है। कौन सी करती है? लार ग्रंथियाँ करती है। मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि टाइलिन का स्त्रावण कहाँ से हो रहा था, क्या निकलता है लार ग्रंथियों से, क्या निकालता है? वाली। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वाली, वाटर, एमाइलेज, लाइसोएंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सॉरी वाटर एमाइलेज लाइसोएंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या क्या निकलता है? वाली निकलता है, यानी वाटर, एमाइलेज, लाइसोएंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता है। अब एमाइलेज था, उसी का नाम था क्या? टाइलिन। इसी का नाम क्या था? टाइलिन था। दूसरा नाम टाइलिन था, मैंने आपको बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम टाइलिन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लार ग्रंथियां। ये सभी का लगभग सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन था अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन पूरा होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ पर पूरा हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है और वसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है। तो उन सभी का, तीनों का पाचन कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था छोटी आंत्र में कंप्लीट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत्र में कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत्र में जाते जाते कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, उसके बाद में जब एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे अपन, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, बार बार क्वेश्चन करवाया था कि मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या, बहुत ही जी क्वेश्चन था ये। तो मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या होती है 12। क्या होती है? 12।
कितनी होती है 12, एक बार दंती कौन से आते हैं, जैसे एक तो हो गया 21-02, ठीक है, मनुष्य का एडल्ट में 21-23/21-23, ये फॉर्मूले होते हैं। तो कौन से दांत होते हैं जो एक बार दंती, यानी ये जो 21-02, तो एक तो 2 और 2 4 और एक एक ये, यानी 3+3 6, 6 × 2 = 12 दांत होते हैं जो एक ही बार आते हैं जीवन काल में। क्या आते हैं? एक ही बार आते हैं। इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर दांत 2 और 2 4, यानी 8 तो प्रीमोलर दांत, ठीक है, और 4 मोलर दांत, ये आते हैं एक ही बार आते हैं। तो टोटल कितने 12 एक बार दंती दांतों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीत द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है। पीत द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीत द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है। तो पीत द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है, पीत रस कहाँ जा रहा था, मैंने आपको बताया था पीत रस जा रहा था कहाँ पे, डूडेनम में जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था, डूडेनम में जा रहा था, एम्पुला ऑफ वेक्टर से होते हुए कहाँ जा रहा था, डूडेनम में जा रहा था। तो पायसीकरण कहाँ होता है, डूडेनम में होता। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये डूडेनम ग्रहणी है, यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेक्टर आएगा, ठीक है, यहाँ बाइल डक्ट आएगी, तो मैंने आपको पूरा बताया था। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या, फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या था, फर्स्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी, कौन सा विटामिन जल में विलय है, कौन सा विटामिन जल में विलय है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कौन सा विटामिन जल में विलय है। वसा में विलय कौन सा है, वसा में विलय है हेडक, विटामिन ए डी ई और के। हेडक तो क्या है, वसा में विलय है। उसके अलावा शब्द क्या है, जल में विलय है। तो जल में विलय क्या है, इसमें डी आ गया तो ये तो गया, ये वसा में विलय है। इसमें ए आ गया, ये भी क्या है, वसा में विलय है, ए भी। इसमें भी ए आ गया तो ये भी वसा में विलय। बी और सी वसा में विलय नहीं है, ओनली क्या है, जल में विलय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 5 का फर्स्ट। क्या हो गया राइट का आंसर, फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन भी लगभग सभी का सही था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी कराया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था अपना, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन था, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है। मैंने वो बताया था आपको, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनेमल है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी का सही था लगभग। मैं जहाँ आपने क्वेश्चन में गलती की है वो क्वेश्चन मैं अच्छे से कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र क्या होगा। वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब चैप्टर कंप्लीट हुआ था अपना, तब मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था। तो इसमें क्या है कि जो अपनी अक्कल डाढ़ कहते हैं वो नहीं आती है, वो आती है 18 साल से लेके 24 साल की उम्र में आती है। कौन सी, अपने जो अक्कल डाढ़ बोले जाते हैं वो अक्कल डाढ़ होती है, 18 से 24 साल की एज में आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 21-23 की जगह क्या हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा, क्योंकि अक्कल डाढ़ 17 साल की एज में नहीं आ पाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड। जो अक्कल डाढ़ होती है वो 21 कहाँ पर आती है, 21-23 नहीं होगा, अक्कल डाढ़ क्या होगी, बहुत सारे बच्चों ने इसमें 21-23 किया है, लेकिन 21-23 नहीं होगा, क्योंकि अक्कल डाढ़ होती है वो 18 से 24 वर्ष की उम्र में आती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड, राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था, मैंने आपको एक डायग्राम दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में, एक आपको डायग्राम दिया था मैंने कि
ए और बी और सी को पहचानना है। तो मैंने आपको इस अमास्य का डायग्राम बना के आपको बताया था कि ए पार्ट को क्या बोलते हैं, बी पार्ट को क्या कहा जाता है, सी पार्ट को क्या कहा जाता है। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था आपको। तो ए तो क्या हो गया, फंडस हो गया। ए क्या हो गया, फंडस हो गया। बी क्या हो गया, ए क्या हो गया, फंडस हो गया। बी क्या हो गया, तो इसमें ए क्या हो गया, फंडस हो गया। बी क्या, इसमें कार्डियक पार्ट है। मैंने आपको बताया था बी क्या, इसमें कार्डियक पार्ट है। और सी क्या, इसमें पाइलोरिक पार्ट है। कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा थर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए क्या है, फंडस। बी क्या है, जटरागम। और सी क्या है, जटर निर्गम, पाइलोरिक पार्ट है। तो इसका राइट आंसर जाएगा थर्ड। एट क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर नाइन। अमाशय के श्लेष्मा की पेराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती है। पेराइटल कोशिका क्या निकालती है, पेराइटल कोशिका क्या निकालती है। मैंने आपको बताया था पेराइटल कोशिका क्या निकालती है, जल्द। तो इसका राइट आंसर होगा पेराइटल कोशिकाएं क्या निकालती है, तनु HCL निकालती है। क्या निकालती है, पेराइटल कोशिकाएं क्या निकालती है, तनु HCL निकालती है। क्या निकालती है, तनु HCL निकालती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी था। यकृत की बक्से कोशिकाएं कौन सी थी, यकृत में बक्से कोशिकाएं कौन सी थी। मैंने आपको बताया था कूफर सेल्स होती है, जो कि यकृत की क्या होती है, बक्से कोशिकाएं होती है। कौन सी, कूफर सेल्स। कूफर सेल्स मैंने आपको बताया था, नोट लिखा के लिखवाया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट नोट लिखवा के लिखवाया था कि कूफर सेल्स क्या है, बक्से कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 भी करवाया क्वेश्चन था कि बच्चों में रैकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। तो रैकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, रैकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दो स्तंभ दिए गए थे, आपको क्या दो स्तंभ बताए गए थे, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिया गया था। तो उसको क्या करना था, मिलाना था। क्या करना था, मिलाना था। उसको क्या करना था, मिलाना था ओनली कि कौन सा किसका पाचन करता है, कौन सा किसका पाचन करता है। तो टाइलिन है, टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है, टाइलिन किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मैंने आपको बताया था टाइलिन किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये क्या जाएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इसमें, ये स्टार्च। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं अपन, तो इसमें क्या जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। उसके बाद में पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। स्ट्रेप्टिसिन किसका पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है। न्यूक्लियस किसका, डीएनए का पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये मिला दिया अपन ने, उसका राइट आंसर जाएगा थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा, थर्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। इसमें ए बी सी डी ई एफ बताया गया था, उसके भागों को पहचानना था। तो मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया था पूरा आपको कि कौन सा क्या है। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांस हुस्ट्रा सिग्मोइड क्लोन कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था, सब कुछ बताया था मैंने आपको कि हुस्ट्रा क्या है, ये गोलाकार संरचना हुस्ट्रा होती है, लंबवत होती है वो,
ये असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ये सिग्मोइड हो गया। मैंने आपको टीनिया कोलाई बताई थी, जो लंबवत रज्जू थे वो टीनिया कोलाई है, मैंने आपको एक एक डायग्राम बना के बताया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा क्या, थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, थर्ड जाएगा। कैसे जाएगा, एक क्या है, एक क्या है सिकम भाग है, एक क्या है सिकम भाग है। बी क्या है कर्मी रूपी पृष्ठिका, ये कर्मी रूपी पृष्ठिका ही है, ठीक है अपेंडिक्स। उसके बाद में सी क्या है आरोही वर्धांतर, सी आरोही मतलब आरोही, आरोही यानी असेंडिंग क्लोन, क्या है असेंडिंग। फिर आता है ट्रांसवर, ये क्या है डी क्या है ट्रांसवर, फिर ये क्या है डिसेंडिंग, ये क्या है डिसेंडिंग, और ये क्या है सिग्मोइड। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। इसका राइट आंसर जाएगा थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह है कि चषक लाइसोएंजाइम लार ऑक्सेंटिक स्तंभ पस्टर स्टम से इनको मिलाना है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत सारे बच्चों ने आंसर के कमेंट किया है, कौन सा 5, उनको 5 नंबर आंसर कमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया है 5 नंबर दिया है। तो लाइसोएंजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। लाइसोएंजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, इसमें तो क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, ये पस्ट, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लार ग्रंथि ऑक्सेंटिक कोशिकाएं क्या निकालती है, एससीएल निकालती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं क्या निकालती है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं एससीएल निकालती है, सबको पता है, ये बहुत ईजी था। और लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अधोजीवा में पाई जाती है, ठीक है। तो चषक सेल्स क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो ये हो गया, इसका मिलान हो गया। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर क्या किया है, 5 किया है। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो गया, जो चषक कोशिकाएं होती है वह अधोजीवा ग्रंथि, ये नहीं होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर ये क्या है कि इसमें यहाँ गलती की है, माइनर गलती, मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने इसके क्या राइट आंसर का कमेंट किया है, 5, तो जो कि क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पंद्रह था, मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस नाते भिन्न है, होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर पंद्रह मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन था, कौन सा प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास किस प्रकार से भिन्न है, कौन से दांत नहीं पाए जाते, कौन से नहीं पाए जाते। 2102 और 2123, कौन से दांत नहीं पाए जाते, इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर। तो कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, कौन से प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया सेकंड, कौन सा प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सही था सबका। वह एंजाइम जो सकस एंट्रिकस में मौजूद नहीं होता, कौन सा नहीं मौजूद होता, न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, अमाशय में जठरस का स्त्रावण होता है, कौन सी कोशिकाएं करती है अमाशय में जठरस का स्त्रावण। क्वेश्चन नंबर सत्रह में अमाशय में जठरस का स्त्रावण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सत्रह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है नीट यूजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आ सकता है फिर से आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो भित्ते कोशिकाएं होती है वो किसका करती है, जठरस का स्त्रावण, कौन सी करती कोशिकाएं करती है, भित्ते कोशिकाएं करती है, कौन सी करती है, भित्ते कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर अठारह था, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृत अग्नाशय की वाहिनी कि ग्रहणी में खुलने का नियंत्रण का देखभाल करती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार करवाया था, ग्रहणी में खुलने का नियंत्रण कौन करता है, ग्रहणी में खुलने का नियंत्रण कौन करता है, ओडी ऑफ अवरोध अवरोधनी करती है,
ऑड आई ऑफ अवरोध नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 19 कम से कम 3 बार क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अगर आपने इसलिए मिस्टेक करके ये क्वेश्चन गलत किया है तो आपकी ये वो गलती है, अगली बार उससे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम आपको 3-4 बार करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 3-4 बार करवाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा सेकंड। एक क्या है इसमें, वाई को पिक हुआ है जो सौसनी गैसों के आदान प्रदान के लिए मुख्य सतह है, ये क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रह रहे हैं तो उनमें क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट करवाया है, क्वेश्चन था ये चैप्टर कंप्लीट होकर जस्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, उनमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इस टेस्ट के अंतर्गत मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन दिए थे ताकि मैं देखना चाहता था कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो, करवाए क्वेश्चंस गलत किए हैं आपने तो स्लिप मिस्टेक की वजह से गलत किए हैं, जल्दीबाजी की वजह से गलत किए हैं। तो अगले टेस्ट में ध्यान रखना, वो स्लिप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने बहुत बार करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन ये करवाया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 21, सही को पहचानना था, ABCD बताया गया था, सही को पहचानना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी क्या है इसमें, सी कूपी के है जो कि गैसों के विनिमय के लिए पत्ती बित्ती वाली सवनीय संरचनाएँ हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा 21 का फोर्थ। क्या जाएगा इसकी, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब आप अपनी श्वास रोकते हैं, जब आप अपनी श्वास रोकते हैं तब रुधिर में निम्न में से कौन सा गैसीय विनिमय आपको फिर से श्वास लेने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके लिखवाया था जब मैंने करवाया था आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है कि कौन सी सांस रोकते हैं तो कौन सा गैसीय विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आएगा राइट आंसर CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने आंसर दिया है थर्ड, O2 की सांद्रता में गिरावट, O2 की सांद्रता में गिरावट आ सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रिपेयर करेंगे अपन किसको, CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना। क्या है CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर ये भी करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर यही दिया है इसमें थर्ड, लेकिन इसमें थर्ड ना आया नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया था मोस्ट प्रिपेयर करेंगे किसको, CO2 की सांद्रता को बढ़ जाना इसमें सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 22 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उस फुफ्फुसीय रोग का नाम बताइए जिसमें फुफ्फुसीय की भित्ति के क्षय हो जाने के कारण गैसीय विनिमय में कुपिके सतह क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, कौन सा, एम्पिसिमा। मैंने आपको एम्पिसिमा डिसऑर्डर बताया था, कौन सा, एम्पिसिमा डिसऑर्डर पढ़ाया था मैंने आपको, उसकी क्रियाविधि भी पढ़ाई थी। तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा सेकंड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, अस्थमा का क्या कारण है। मैंने डिसऑर्डर पढ़ाए थे आपको, अस्थमा का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 24 अस्थमा का कारण है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, अस्थमा का क्या कारण है, ये तो लगभग सभी का सही हुआ है। तो अस्थमा क्या कारण है, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन, स्तनधारियों में स्वातन की दर मस्तिष्क के किस भाग में के द्वारा नियंत्रित होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि मस्तवातन की दर की मस्तिष्क किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, मेडुला अवलागेटा, कौन से, मेडुला अवलागेटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो गया, मेडुला अवलागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ईजी क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा एक फेफड़ों की सुरक्षा करता है, फेफड़ों की सुरक्षा कौन सा करता है इनमें से,
पसली भी फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है, कस्तूरिक दंड भी करता है और उड़स्ती भी करती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। पसली भी करती है सुरक्षा, कस्तूरिक दंड भी करते हैं और उड़स्ती भी करती है, फेफड़ों की सुरक्षा ये तीनों करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक हीमोग्लोबिन कितने ओटोणों का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी क्वेश्चन था, एक हीमोग्लोबिन कितने ओटोणों का वहन करता है? चार का। कितने का करता है? चार का। कितने करता है? चार का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी करवाया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 भी करवाया क्वेश्चन था। वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, कब होता है वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित कब होता है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जब CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब क्या हो जाती है? CO2 की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, तब क्या होता है? वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या जाता है? CO2 की सांद्रता बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होता। मैंने अभी आपको बताया था पिछले पहले क्वेश्चन करवाया था, जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के प्रेरित करता है? तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था, तो इसमें राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर, क्या था ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा था अपना? हाँ, इसका राइट आंसर जा रहा है क्या, सेकंड। क्या जाएगा? CO2 की सांद्रता में बढ़ जाना, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। क्या जाएगा राइट आंसर? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर तीस है, रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग फेफड़ों का तक परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा होता है। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, लगभग 70% भाग किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन लगभग सभी का सही था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? रुधिर में pH होने वाली कमी के कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने आपको करवाया था। तो क्वेश्चन क्या हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आंशिक दाब होता है। मैंने आपको सभी के डायग्राम बना के आंशिक दाब बताया था कि कोशिका के अंदर आंशिक दाब कितना होता है, वेन में कितना होता है, आर्टरी में कितना होता है, सिस्टमिक वेन में कितना होता है, सिस्टमिक आर्टरी में कितना होता है। मैंने सभी के आंशिक दाब आपको बताए थे अच्छे से। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जाएगा सेकंड। क्या जाएगा? सेकंड। रुधिर में ऑक्सीजन की आंशिक दाब से अधिक होता है, रुधिर में जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है उससे क्या होता है? अधिक होता है, फेफड़ों का आंशिक दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक हार्मोन होता है, हार्मोन क्या होता है? एक एंजाइम भी होता है हार्मोन, रासायनिक संदेशवाहक भी है और प्राथमिक संदेशवाहक भी। क्या आएगा इसका? एंजाइम थोड़ी होता है हार्मोन, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, ये एंजाइम नहीं होता है, हार्मोन एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जाएगा क्या? रासायनिक संदेशवाहक जरूर होते हैं, प्राथमिक संदेशवाहक भी होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संदेशवाहक दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 ही है क्या ये क्वेश्चन अपना? एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 34 क्या था? क्वेश्चन नंबर 34 है, पैराथार्मोन हार्मोन नियंत्रित करता है। पैराथार्मोन हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? रुधिर में कैल्शियम फॉस्फेट स्तर को नियंत्रित करता
किसको करता है? रुधिर में कैल्शियम फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। मैंने आपको पैराथार्मोन हार्मोन पीटीएच पढ़ाया था, पैराथार्मोन हार्मोन पढ़ाया था, तो उसमें क्या करता है रुधिर कैल्शियम फॉस्फेट स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ईजी क्वेश्चन था। वह कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर की 24 घंटे की दैनिक जीवन करना निंद्रा जागरता आदि को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ईजी था, मैंने आपको बताया था कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा आएगा इसमें? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है जो क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आपको बहुत बार करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आएगा इसका थर्ड आंसर आएगा, कैसे आएगा? अधिवक्र जिसके कारण एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फाइट एंड फ्लाइट 3F बताया था मैंने आपको, क्या 3F बताया था आपको मैंने, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपको करवाया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एफ को बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया था आपको, कम से कम दो बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था GGFR बताया था मैंने आपको, परतों का क्रम बताया था अधिवक्र की, GFR ग्लोमेरुला फेसुलेटा और जोनल रेटिकुलेशा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। तो इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक है? GFR याद रखना दोस्तों, ग्लोमेरुलेसा फेसुलेटा रेटिकुलेशा, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है पीनियल ग्रंथि स्थित होती है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड, अगर मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें आपको बताना था ए बी सी डी बताना था। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना था ए बी सी डी, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ये बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्या आ जाएगा? ए क्या है इसमें? अधिकवक्र ग्रंथि। बी क्या है इसमें? वसा। सी क्या है इसमें? वल्कुड भाग होता है। डी क्या है इसमें? मेडुला होता है, ये कोटेक्स हो गया। और ये में क्या है? डी क्या है इसमें? मेडुला भाग होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, महाकायता अग्रकायता किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पिट्यूटरी के अतिश्रवण से होती ही है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया था, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पिट्यूटरी के अतिश्रवण से होती है, महागायता अग्रगायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरिल्ला के समान मानव शरीर हाथ बड़े हो जाना, जबड़े लंबे हो जाना किसका कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जाएगा वर्धी हार्मोन का वयस्क में अतिश्रवण से होता है। किसमें? अतिस्त्रावण से होता है। गोरिल्ला के समान संरचना मैंने आपको बताया था, तो उसका राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इंसुलिन क्या है एक प्रोटीन हार्मोन है। मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर भी जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कौन सा एक सही सम्मिलित है वो बताना है। तो थाइमस क्या है?
एक यौनावस्था के बाद अपघटन आरंभ हो जाता है। थाइमस का यौनावस्था के बाद अपघटन आरंभ हो जाता है, ये सही है। तो इसमें पहला ही कथन सही है, आपको सही बताना था। तो 45 में क्या जाएगा, एक क्या जाएगा दोस्तों, 45 में एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 भी आपको मैंने करवाया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 भी स्त्रोता कार्य थे उसको मिलान करना था, तो एक भी क्वेश्चन आपको करवाया क्वेश्चन था, मिलाना ही था आपको बस ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जाएगा थर्ड। क्या जाएगा, नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से निकलता है, हृदय स्पंदन दर श्वसन दर 17% को क्या करता था, बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आएगा नहीं, प्रोलैक्टिन पस से पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता, ये तो नहीं आएगा। वैसोप्रेशन ये भी नहीं आएगा, और ये भी गलत हो गया क्योंकि बीटा कोशिकाएं, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 47 परसों को प्रेरित करता है, परसों को प्रेरित करता है, परसों को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन परसों को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है इसके कार्य बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के इसके कार्य उसके कार्य बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन मैंने आपको दो या तीन बार करवा दिया था दोस्तों, तो उसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अलविकसित है, वर्दी मानसिक मंदता है, निम्न मौद्रिक मापदंड है, एम असामान्य बच्चा है। तो ये किसका जाएगा क्वेश्चन नंबर, किसकी कमी से हो रहा था, ये मैंने आपको डिसऑर्डर पढ़ाए थे इसके, तो इसकी किसकी कमी हो रहा था, आयोडीन की कमी से होता है। ऐसे लक्षण किसकी कमी से आता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नहीं है, नहीं ये पूछा दोस्तों, बहुत बच्चों ने इसमें गलती की है मान लिया इसमें कौन सा है, तो एंटागोनिस्ट नहीं है पूछा है। तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, फोर्थ। क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। रिलैक्सिन इनहिबिन हार्मोन होता है जो कि एंटागोनिस्ट नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। इस प्रकार से अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। क्या हो गए, अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने टेस्ट दिया उसके उसमें आपका अच्छी परफॉर्मेंस रही, लगभग सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 41 नंबर वाला टॉप रहा है इसमें, 41 नंबर हाईएस्ट नंबर रहे हैं इस टेस्ट में, 41 नंबर हाईएस्ट नंबर रहे हैं, और लगभग 30+ नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स के है। इसमें टोटल 67 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे टेस्ट तो लगभग 110 स्टूडेंट ने दिया था, लेकिन 67 कैंडिडेट ने ही अपलोड कर पाए, 67 कैंडिडेट ही अपलोड कर पाए अपनी आंसर सीट। तो अगले टेस्ट में ध्यान रखना, जब भी टेस्ट हो प्रोसेस में आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा आपको कि कैसे आपको आंसर की अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, आपका टेस्ट अच्छा रहा, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आपने देख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में। आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलेशन, उसको जो भी आपकी गलतियां रही इस टेस्ट में उसको देख लेना, आपने कहां स्लिप मिस्टेक की है, आपने उस स्लिप मिस्टेक को नोटिस करना, और अगले टेस्ट में वो स्लिप मिस्टेक नहीं करने की जितने अधिक कोशिश करना उतनी नहीं हो वो टेस्ट स्लिप मिस्टेक, वही ध्यान रखना। ठीक है, जितनी कम स्लिप मिस्टेक करोगे आप उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सॉल्यूशन आपने करवा दिया है। नेक्स्ट की क्लास में अपन जो सर्कुलेशन चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करेंगे, सर्कुलेशन चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला टेस्ट अपना होगा जब अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपना अगला टेस्ट होगा। कब होगा, जब अपने दो चैप्टर हो जाएंगे, एक चैप्टर अपना हो गया है, एक चैप्टर और होने के बाद में अपना अगला टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।